अगर इंसान मेहनत करनी ना छड़े तो कामयाबी एक दिन जरूर उसनू हासिल हो जाती है। अज कहानी एक अजिही कामयाबी जोड़े दी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा। एक स्टॉल लगाउंदे ने, फूड कार्ट लगाउंदे ने, डबल एमए कीती हुई है, बहुत जगह नौकरी दे लई धक्के भी खाधे, अंत फिर अपना एक बिजनेस शुरू किया, उस विच वड्डा घाटा पिया, करजे ही होए, पर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छड़ी। मैं जॉब की बहुत कोशिश की, सरकारी पेपर भी दिते, स्कूलों से भी इंटरव्यू दिते, पर किसी ने कुछ नहीं मेरे हाथ पल्ला फड़ाया। तो फिर आप क्या कोई गल नहीं, आप हिम्मत नहीं हारनी, तो आप काम अपना स्टार्ट करते हैं। खालसा ग्रुप जिहड़ा बहुत बहुत फेमस आपां कह सकते हैं मार्शल आर्ट दे विच, वड्डे इंटरनेशनल टीवी चैनल्स तक भी गया, उहदा हिस्सा। हाँ जी, हाँ जी, पहले लिया जी सिंगापुर, मलेशिया, जापान, चेक रिपब्लिक, मैं गया ना, नाल ही गया आवां, फिर कलर टीवी चैनल ते गए, उस तो बाद अं आ गए, तो फिर असी उत्थे पार्टिसिपेट किया। काम करने तो बाद मैं साइप्रस चल गया, मतलब के स्टडी बेस से गया हाँ, मैं उत्थे उत्थे जाके 6 महीने भी रहा, तो इन्हों ने मैं वर्क परमिट दसा लिया, इन्होंने उत्थे जाके तो इन्हों पानी भी सूट नहीं होया, तो काम भी चज ना नहीं मिलया, मतलब जेडे एजेंट ने सानू सद्या सी उन्हें मतलब धोखा ही किया साडे हिसाब नाल। उत्थे मैनू जेड़ा एजेंट सीगा ना, वो मैनू कहिंदा सी कि पहली गल तो तू जदों भी मेरे को आना है ना, जिते भी जाना है, इमीग्रेशन से जाता सी या मैडिकल करान गया, वो कहिंदा सी तू अपने हसबैंड नाल ना कल आया कर, तो मैं क्या मैं क्यों कल आवा, जदों मैं अपने हसबैंड के नाल, हसबैंड मेरा पहले इतने आया हुआ, उन्हें मैंने बुलाया तो मैं अपने हसबैंड नाल ही आना है, कहिंदा नहीं फिर तुहानू काम नहीं मिलना, या तो तुसी फिर अपनी केशकी ला दो, मैनू कहिंदे सी तुसी अपनी केशकी ला दो, दुमाला ला दो। अच्छा वीर जी, कहते कर्जा बहुत हो गया सिर पर, किमें वो सारा दुकान बंद हो गई लॉकडाउन तो बाद, साडा जिहड़ा जिन्हां को असी लैने ही और चलो चल गए सारे इतों तकरीबन ही गए, वैसे तो मतलब कहते असी देहा दे ना ही देने, तो जिन्हों को असी मतलब जिन्हों अं देने वो साढ़े को आते भी है, तो देने भी असी। मैं थोड़े टाइम अपने ट्यूशन भी बच्चों नूं घर पढ़ाई है, थोड़े टाइम ट्यूशन भी की बच्चों घर पढ़ा दी, पर इतने लोग ट्यूशन पढ़वा लेंगे ने, फिर पैसे नहीं, फीसा नहीं पढ़ते, तो इस पिछे मैं वो भी काम छड़ना पिया सीगा। की हुण अजकल की स्पैशल हैगा, की बनाउंदे हो, तैयार करदे हो? एक्चुअली इत्थे ते असीं वीर जी करदे आ मलाई चाप, मसाला चाप, पुदीना चाप, तो अपना KFC चाप हैगी है, KFC स्प्रिंग रोल है, क्रीमी स्प्रिंग रोल है, मोमोज है अपने, स्टीम मोमोज, स्टीम क्रीमी मोमोज, स्टीम क्रीमी विद स्वीट कॉर्न मोमोज। रिस्पोंस तो बहुत वधिया वीर जी, सानू लोग बहुत ही प्यार, सानू संगत भी प्यार करती है, गुरसिख सिंह आते साढ़े को तकरीबन, सानू वेख के तकरीबन आते साढ़े को आ गए, तो राह अपना अपना बहुत वधिया साढ़े नाल बह के, तो मतलब खा पी के जाते साढ़े को, बहुत वधिया। सत श्री अकाल, हमदर्द TV देख रहे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ सुखविंदर सिंह। कहते हैं कि जेकर इंसान मेहनत करनी ना छड़े तो कामयाबी एक दिन जरूर उसनू हासिल हो जाती है। अज कहानी एक अजिही कामयाबी जोड़े दी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा। गुरु दे सिंह ते सिंघणी दीआं तस्वीरां तुसीं शुरुआत दे विच ही देखियां, एक स्टॉल लगाउंदे ने, फूड कार्ट लगाउंदे ने, डबल MA कीती हुई है, बहुत जगह नौकरी दे लई धक्के भी खाधे, अंत फिर अपना एक बिजनेस शुरू किया, उस विच वड्डा घाटा पिया, करजे ही होए, पर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छड़ी, तो अज एक फूड कार्ट के जरिए एक स्पैशल शुद्ध वैष्णु मैं कह सकता है उस तरीके का कार्ट लगा रहे हैं और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अगे छोटी जी बच्ची है, धी है, वह भी गुरसिखी जीवन बतीत कर रही है, तो भैन उन्होंने भी गल करा, बाई जी भी गल करा, भैन जी थोड़ा जहा समा थोड़ा आप अज इधर जरूर लवेंगे। सब तो पहला गुरु जी सांझ पौने फतेह, सांझ पौने वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिंह ते सिंघणी दा जोड़ा अज लोगों नू खाना बना के परोस रहा है, इधरले पासे नू किवें आने होए? एक्चुअली वीर जी सानू ना बिजनेस ते बहुत ज़्यादा लॉस हो गया सीगा, जिहदे करके सानू मजबूरन इस स्टैप ते आना पिया, कि असी बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैं जॉब की बहुत कोशिश की, सरकारी पेपर भी दिते, स्कूलों से भी इंटरव्यू दिते, पर किसी ने कुछ नहीं मेरे हाथ पल्ला फड़ाया, तो फिर आप क्या कोई गल नहीं, आप हिम्मत नहीं हारनी, तो आप काम अपना स्टार्ट करते हैं। असी अपना छोटे से टेबल तो काम स्टार्ट किया, गुरु साहब की कृपा, तो साढ़े कस्टमर का प्यार, साड़ी संगत का प्यार है,
ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਕਿਡਨੀ ਜੱਥੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਪਾਨ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੋ ਕਲਰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲਰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ? ਐਕਚੁਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਡਬਲ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ UP ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ MA ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ? ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, UP 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, UP 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ UP, ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰੇਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੂਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਸੀਗੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਹਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨਾ ਡੰਗਾ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 8 ਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 8 ਦੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜੋ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਧ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੇਸ਼ਕੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਸ਼ਕੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੁਮਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਮ ਨੇ, ਗੋਰੀ ਮੈਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ
इतने अपना घर भी सामी अपना बच्चा भी सामी हाँ अपना बिजनेस भी सामी अपने हसबेंड न भी सामी हाँ सास सहुरे भी सामी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है तो उत्तर मैं कहें कि सैलरी वास्ते कि तुम्हें दो तीन महीने की ट्रेनिंग मैं उस गल का कोई उन्होंने फिर अगे तो जवाब नहीं दिता कहते काम करना है तो करो फिर मैं कुछ इन्हों फ्रेंड्स ने दसिया कहते नहीं इतने फ्रॉड करते पे ने तो भाभी तुम काम से नहीं जाना तो फिर मैं घर बैठी सी उत्थे काम तो फिर वापस आ गए विदेश में लत मार दी गुरसिखी करके मैं गुरसिखी नहीं छोड़नी गुरसिखी नहीं तो पिछे जो मर्जी हो जाए मेरे गुरु साहब ने तो साढ़े गुरु साहब के परिवार ने अपने परिवार बचाने के पिछे अपनी सिखी नहीं छड़िया तो असी भी नहीं छड़नी जो मर्जी हो जाए जी। अच्छा वीर जी फिर उतों वापस आके फिर ये कारोबार भैन जी उन्हों का आइडिया हाँ जी हाँ जी लॉकडाउन तो बाद भी जी शुरू किया 2020 शुरू किया सितंबर के लगभग 3 साल हो चले सूँ अं एक छोटे एक यही शायद टेबल होना वा इसे टेबल तो ही स्टार्ट किया उस टाइम साढ़े को 3 आइटमां साढ़े को स्प्रिंग रोल तो मोमोस तो बर्गर वगैरह साढ़े को 3 आइटमां उस तो बाद हौली हौली गाहक ने रिस्पोंस दिता हौली हौली वधिया वधिया हौली हौली करते 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 फिर असी परमात्मा की कृपा जोड़ा साडा सैटअप वधिया लगा फिर अं किया जाए सीखा सी भैन जी ये काम आता नहीं वीर जी ए मेरे गॉड गिफ्ट है हाँ जी सारा कुछ किमें यूट्यूब तो देखते रहे जा किमें नहीं एक्चुअली मैं कुकिंग का बहुत शौक सीगा मैं ब्याह तो पहला भी अपने घर मतलब पेकिया से जो भी कुछ बनाती सी उत्थे सारे बहुत लाइक करते सी इत्थे आई इत्थे इन्हां जो कुछ बना के खवाना इन्हां सारे ने बहुत लाइक करना तो सारे कहते होंगे कि इन लॉज की फैमिली जिनी भी इत्थे सोच लो कि मेरी अगर 50 बंदियां दी भी रोटी होंदी सी असी भुगता लेंदे सीगे मैं कल्ले आप ही कर लैंदी सी की हुण अजकल की स्पैशल हैगा की बनाउंदे हो तैयार करदे हो एक्चुअली इतने तो असी वीर जी करते हैं मलाई चाप मसाला चाप पुदीना चाप तो अपना KFC चाप हैगी है KFC स्प्रिंग रोल है क्रीमी स्प्रिंग रोल है मोमोज है अपने स्टीम मोमोज स्टीम क्रीमी मोमोज स्टीम क्रीमी विद स्वीट कॉर्न मोमोज कुछ आप ही सीखा सब कुछ आप ही वीर जी कहते बड़ा बड़ा संघर्षमय दौर देखिया पहला भी अज भी बड़ा संघर्ष आता है ना बड़ा दिक्कत आती पी है जिंदगी दे विच अच्छा कभी ए नहीं लगा भी मैं गुरसिख है लोग तो कहते हो आंढ़ी गुआढ़ी ज रिश्तेदार कह ली भी कि कमी पै गए हैं कदम मन डोलिया नहीं नहीं वीर जी मन उन्होंने डलाया क्योंकि सानू ऐसा कि हसबेंड मेरे नाल हैगा है हसबेंड नूगा कि वाइफ मेरे नाल हैगी बस असी अपने तो पक्के रहे हैं दोवे तो इस करके बस मन नहीं डोलन दिता किसी टाइम मन डोल जाता है कि असी सारी सारी रात नहीं सौंदे हाँ क्योंकि टेंशन साढ़े सिर पर बहुत है पर असी फिर भी हिम्मत रखते हैं एक दूसरे को हिम्मत देने कोई गल नहीं तुम मेरे नाल मैं तो हैगी तो कोई गल नहीं आप स्ट्रगल करा तो अगे वधांगे इतने तो बंदा चार जमातें पढ़ जाए ऊँ बंद सीधे मत्थे नहीं बुला हट जाता वै नाल कदम ए भी नहीं आया भी मैं डबल एम ए की और अब मैं इतने बर्गर बनाऊँगी टिक्कियाँ बनाऊँगी इतने मैं मोमोज चाप नहीं वीर जी बिल्कुल भी नहीं आया मेरे मन च गुरु साहब की कृपा नाल हैगी है कि गुरु साहब ने निमड़ता बस बख्शी है तो सारी जिंदगी निमड़ता च ही रखन आप गुरु साहब तो सीखी केसा स्वासा संग निभाए रखन बस तो नाले सानू एक निमड़ता साड़ी जिंदगी जरूर बख्शन छोटी जी मैं बच्ची भी तुहाडी देख रहा सीगा ता उस बच्ची नू भी तुसी गुरसिखी जीवन जिहड़ा है वो अगे बिता रहे हो उसका जीवन किवें रुचि उन्हां दी भी बच्ची दी हैगी इस पासे हाँ जी वीर जी बिल्कुल जी मेरे बच्ची नू वो अपने आप तुहानू फतेह दी सांझ करेगी आपे तुहानू पाठ भी सुनाएगी तो तुहानू आप पता चल जाएगा मैं चाहूँगा आप उस बच्ची नाल भी कोशिश करा कि गलबात करदी है छोटी जी प्यारी जी बच्ची है और देखो गुरसिखी कहिंदे खून दे विच मैं कह सकदा हुंदी है ना तो कोई किसी नू कह के कुछ सिखा सकदा है ये छोटी जी बच्ची है अमृतपान किया होया सिर ते दस्तार अपने माता जी पिता जी वांगू अच्छा बच्चे बहुत सारी संगत देख रही है पहला फतेह सांझ पढ़ो वाहेगुरु जी का खालसा बोलो अच्छा वाहेगुरु जी की फतेह की नाम है तुहाडा नूजोट को केडी क्लास पढ़दे हो ए वन कूल अच्छा पाठ होंदा तुहानू पाठ सुना दो एक ओंकार सुनाओ जल्दी जल्दी मेरी गल सुनो तो बिल्कुल बच्चे है बच्चे थोड़ा जा जी संग शर्म आ जाती है ता देखो नूर तुहानू पाठ सुनाएगी देखो तुसी भी सरवण करो एक ओंकार छट नाम कत पुक नेपो नेबे कालमुर अजन जप कुपचार जापो आदचार काचार हैपिचार नानक वाचे बेचार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह देखो ये संस्कार माता पिता तो मिलते हैं ਆਪਾਂ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟਾਣੀ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਿਰਤ ਇਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ
किसी टाइम मेरे को लेंदी किसी टाइम अपनी दादी को चली जाती है घर। हाँ जी बाकी बच्चा होता है मूड ही बच्चे का जो जिदा मूड हो जाए जिद अड़ जाती है कि नहीं मम्मा मैं थोड़े को ही रहा है तो फिर मेरे को ही रही है इतने अपना मोबाइल वेखती रहेगी या अपना होमवर्क इन करा देता है कुछ खुआ पिया देता है फिर इतने कस्टमर आते हैं उन्होंने बच्चों खेडती रही है अपना लगी रही चंगी गल किरत करते देख रही है अपने माँ बाप न अखी अखी मेरी बेटी मैनू बोलती है मम्मा मैनू ना एक किचन सैट व्डा दिला दो तो मैं भी ना मोमोज बना ले है अपनी ट्यूशन से जाके बच्चों बोल के आँदी मेरी मम्मा मोमोज बनाते ने मैम नू अपनी कहेगी कि मैम मैं ना घर जाके अपनी मम्मा तो मोमोज बनवा के खाने हैं फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। एक दिन अपनी ट्यूशन वाली मैम नू कहती है मैम मैं तू गुस्सा करते सके तो मैम नू बोलती है मैम आपनू आलू टिक्की मंगा के दे दा अपनी मम्मा तो चलो इस बार भी चल जाती कई बार इदा बच्चा मासूमियत है। अच्छा वीर जी कहते करजा बहुत हो गया सिर पर किमें सारा दुकान बंद हो गई कारोबार बंद हो गया। हाँ जी हाँ जी वीर जी करजा इदा वा भी लॉकडाउन तो बाद साडा जिहड़ा जिन्हां को असी लैणे ही और चलो चल गए सारे इतों तकरीबन ही गए वैसे तो मतलब कहते असी दे ना ही देने तो जिन्हों को असी मतलब जिन्होंने अं देने और साढ़े को आते भी है तो देने भी हैं असी हौली हौली करके भी देवे देने तो है ही है भावें अज नूं दईए कल नूं दईए जो जिस टाइम भी साढ़े को प्रोग्राम बनया जिस तरह भी साढ़े को होए हौली हौली करके असं जरूर पैसे देवे अगला किन्ने बजे तो किन्ने बजे तक चलता जी। वैसे असं चार तो लैके तीन बजे तो लैके या चार बजे तक शुरू हो जाए दस बजे तक साड़ी समाप्ति हो जाती दस बजे तक समाप्ति कर दी दस बज जाते हैं सारा कुछ आप ही तैयार कर। हाँ जी तकरीबन सब सब कुछ अं अपनी थी तैयार करते हैं। रिस्पोंस हैगा क्योंकि इतने तो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट होणगे बड़े बड़े होटल होणगे रिस्पोंस हैगा रिस्पोंस तो बहुत वधिया वीर जी सानू लोग बहुत ही प्यार सानू संगत भी प्यार करती है गुरसिख सिंह आते साढ़े को तकरीबन सानू वेख के तकरीबन आते साढ़े को आ गए तो राह अपना अपना बहुत वधिया साढ़े नाल बह के तो मतलब खा पी के जाते साढ़े को बहुत वधिया। एक चलो एक जरिया भी बन गया है ना लोग बेशक दी कोई खाण नहीं आता पर आते भी उही होणगे जिहड़े वैष्णो ने जां जिहड़े गुरसिक्खी नू चाहण वाले होणगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आँदी है जी असी किसी किसी टाइम तो सानू लंगर का भी ऑर्डर आंदा है असी लंगर भी तैयार करके देंगे। हाँ जी मैं अपने हाथी असी दोवे रल मिल के बनाने सानू ऑर्डर आ जाता है किसी टाइम न्यूट्री बना के दे दो चाप बना के दे दो सब्जी वगैरह बना के दे दी है वड्डे वड्डे पतीलिया च। एक दिन सानू सवेरे उन्होंने संगत ने सानू बोलिया कि सानू 7 बजे तक लंगर चाहिए पूरा तैयार असी उस दिन सारी रात सो के नहीं वेख्या सारी रात तैयारी की अपनी कटिंग वगैरह करके दोनों ने रल मिल के अपना सवेरे उन्होंने 7 बजन तो पहला पहला अपना लंगर तैयार रखा सीगा। गल है बेशक दी करजा बेशक दी टेंशन है पर जो गुरु साहब के नाल जुड़ते हो गुरु बाणी पढ़ते हो गुरु घर जाते हो किरत करते हो वह मन तो बोझ लहिंदा बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे जाने परमात्मा अगे तो यही अरदास करें सच्चे पातशाह अज नूं नहीं कल नहीं साडा करजा जरूर लवाएगा एड्डी कोई गल नहीं है लवाएगा पॉजिटिविटी भरोसा है सानू भरोसा है अपने गुरु साहब से सानू गुरु रामदास जी से भरोसा है अपने गुरु तेग बहादुर साहब जी से पूरा भरोसा है गुरु साहब साढ़े मेहर करेंगे असं गुरु अर्जन देव जी की नगरी से बैठे हैं तो गुरु अर्जन देव जी सानू जरूर मेहर करेंगे कि साडा जरूर कदे ना कदे करजा लथेगा। जदों इह कारोबार शुरू किया एक टेबल तो उदों रिश्तेदारां दा आले दुआले दा रिएक्शन की सीगा। एक्चुअली कुछ रिश्तेदारां दा सीगा कि भई मूँह बनांदे सीगे कि तुसीं अपनी नूं नूं कीड़े कम्मां च लगाता की कर दिता पर आपां फिर भी नहीं किसी दे वल ध्यान दिता असीं अपने काम नाल मतलब रखना अपनी लाइफ नाल मतलब क्योंकि तुहानूं पता कोई किसी नूं दे नहीं दिंदा जिहदे कोल भावें किसी कोल वध होए भावें घट होए कोई नहीं किसी नूं दिंदा ते असीं किसी नाल कोई मतलब नहीं रखिया असीं अपने काम च मस्त रहे हां। पढ़ाई की डबल एम ए की है सोचा तो बंदा यही होगा मैं वधिया पढ़ी लिखी है नौकरी मिल जूगी जीवन चंगा चल जू चंगा फ्यूचर सेफ हो जूगा पर फिर आप किरत है भावें कोई भी काम है किरत तो किरत है बाबे नानक ने भी कहें हल वाया तो फिर किरत तो उन्होंने भी की मैसेज तो उन्होंने भी यही देने की कोशिश की नहीं तो वह भी तो सब कुछ दुनिया में जोड़े चला गए थे उन्होंने वास्ते हल चला कोई वही गल नहीं सी। पढ़ाई की तो लगता है भी पढ़ाई तो एक गहना कोल रह गई है बहुत सारे लोग कहते हैं कि डबल एम ए करके भी अच्छे टिक्कियां बना रही पर पढ़ाई का कोल उस चीज़ का माण तो महसूस होंगे हो बिल्कुल होंगे जी कोई मैं पूछता है कि हाँ भी तुम किन्ने एजुकेटड है तो माण नाल दसी दा है असी डबल एम ए की हुई है पर झिझकती नहीं मैं ना मैं कोई शर्म खाँगी कादी शर्म करांगी क्योंकि अपने हाथों नाल मेहनत करके असी खा रहे हैं तो फिर आप कानू शर्माना कादा झिझकना पढ़ाई घट्टो घट अपने बच्चे का आप पढ़ा सकते हैं पढ़ाई तो एक गहना कह सकते हैं भी कोल है जो मेरे को काम नहीं सीगा मैं थोड़े टाइम अपने ट्यूशन भी बच्चों घर पढ़ाई है थोड़े टाइम ट्यूशन भी कीतियाँ बच्चों घर पढ़ा दी पर इतने लोग ट्यूशन पढ़वा लेंगे ने फिर पैसे नहीं फीसा नहीं पढ़ते
तो इस पिछे मैं वह भी काम छड़ना पिया सीगा। हाँ जी, पिछे मैं बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई सी, अपने मेरी रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम आ गई है, तो वो करके मैं डॉक्टर ने भी बोलिया कि भी तुम ना ज़्यादा देर खलो सकते हो ना ज़्यादा देर बह सकते हो। तो हूँ मैं डॉक्टर ने पिछे एक्सरा कराया, मेरी रीढ़ की हड्डी थल्ले मुड़ गई है, अंदर हड्डी से वड़ गई है, पर मैं डॉक्टर ने बोलिया कि तुम जो भी उठना बहना खिलौना है तो तुम पिलो के बगैर नहीं बहना। हाँ जी, पर लेकिन आप फिर भी हिम्मत रख के काम करी है, जदों भी कोई कस्टमर आता है मूँह नहीं बनाई दा, हस के उन्होंने हर चीज़ बना के देती है। ये जी 7-8 लाख रुपये तो वो हो गए, वो होएगा ही। चलो हम की कर सकते हैं, जिनी को मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से करी भी जन्ने, हौली हौली मेहनत नहीं छड़नी, ये तो जिंदगी का असूल होना चाहिए इंसान का, बाकी लड़ते चढ़ते तो रहिंदा ही है इंसान, तो हिम्मत बनी रहिंदा जी सारिया से। वह पहला भी आता है तो हूँ भी आता ही है, पहला चलो परमात्मा कृपा ही करियाने का काम करते हैं, तो लाभ भी देते, तो हौली हौली हूँ जे इतने आए हैं इस लाइन च भी आए हैं तो हौली हौली भी लाजेगा, कोई गल नहीं। हाँ जी, खुश हो दोनों जने आपस के मेहनत अभी तो खुश ही रहने जी जरूर, बस रात भी जो टाइम मिलता अभी बच्चे ने भी खेडना होंगे, अभी थोड़ा टाइम रात जाए निकलता, सारी दिहाड़ी चलो नहीं टाइम कट सकते, पर रात में असं फिर बच्चे ने अं पूरा टाइम स्पेंड करते रात, तो सामने सुनने सुनने भी 1-2 बज ही जाते सन तकरीबन। वीर खालसा दल के अज भी है अपना टच है जी उन्होंने, और जो भी सूँ मतलब कहें खेडने वास्ते, पर मेरे को चलो टाइम नहीं गा, पर फिर भी उस्ताद जी जरूर कहे फिर भी जरूर जावे एड्डी। हाँ जी बिल्कुल, देखो बड़ी बड़ी गल है, इंटरनेशनल वो गतका या मार्शल आर्ट की टीम है वीर खालसा दल, मैनू नहीं लगता भी दुनिया तो किसी भी शख्स ने उन्हें गोरे भी देख गए ने, उन्होंने अमेरिका गॉट टैलेंट के भी वो टीम जा चुकी है, तो उस ही टीम का हिस्सा बई भी है, और अज किरत कर रहा मेहनत कर रहा। दो कारण सी स्टोरी नू करन दे, एक इंसान बेशक करजई भी हो जाए पर उसनू आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, उसनू आखिरी दम तक अपन मुसीबतों के नाल लड़ना चाहिए। बेशक किसी टाइम कारोबार वड्डा सीगा पर वह कारोबार किसी कारण ठप होया, विदेश भी गए उत्थे भी नहीं गल बनी, पर इतने आके फिर भी एक छोटे कारोबार तो एक टेबल तो काम शुरू किया, तो अज रोजी रोटी तो घट्टो घट्ट कमा रहे हैं। दूसरा गुरसिखी जीवन नहीं छड्या, विदेश जाके मौका मिलया सी सैटल होने का, पर उत्थे गुरसिखी ही चुनी क्योंकि उस मार्ग पर चलद ही इन्हों विदेश जाने का भी मौका मिलया होगा, अरदासा बाबे दे अगे कीतियां होणगियां और अरदासा सफल होईयां होणगियां, तां अपने दृढ़ इरादे ते डटे रहे। अज बेशक जिंदगी दे विच मुसीबतां ने पर हिम्मत नहीं हारी, उन्हां मुसीबतां नूं हराउण दा जज्बा अज भी आ। और दूसरी गल, डबल एम ए करके भी काम कर रहे ने, बहुत सारे लोग मेरे वीर भैन भरा कई बार इस गल तो शर्म कर जाते हैं भी मैं तो पढ़िया लिखिया भाई मैं छोटा काम क्यों करा, काम छोटा वड्डा नहीं हुंदा, बंदे की सोच छोटी वड्डी हो सकती है। अज भी भैन ने डबल एम ए करके भी अज बेशक दी चांपा तैयार कर रहे हैं, पर देखो गुरु का नाम जपद जो इन हथ का बनया खाना लोग खाते हो तो घट्टो घट्ट वो भी कितना कितने स्वाद का आनंद तो माणते हो और पॉजिटिव होंगे होणगे। तो गलबात करने लिए भैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुहाडा कुछ मैसेज कोई देना चाहते हो, अपना नंबर कोई शेयर करना चाहते हो संगत? हाँ जी, तुसी मेरी लोकेशन ते नंबर शेयर कर सकते हो, साड़ी लोकेशन है अपोजिट खालसा स्टोर नियर कमल हॉस्पिटल, साड़ा कॉन्टैक्ट नंबर है 6239718071, ए मेरे सिंह साहब जी का नंबर है जी। साड़ा जेड़ा वो है अपना मेन एड्रेस है खालसा फूड कॉर्नर तरन तारण, और साढ़े को 100% प्योर वेज होता है। प्लीज़ कोई भी, मैं सारी संगत को बेनती करनी चाहवागी, कोई भी KFC का मतलब गलत ना लेना, साड़ी सारिया तो बेनती है, सारिया तो रिक्वेस्ट हैगी है कि जेड़ा खालसा फूड कॉर्नर तो मैं अपना एक KFC कटिया है, KFC का मतलब यह नहीं है कि साढ़े कोई नॉन वेज चीज़ हैगी है, कुछ नहीं है। मैं भी जी सारियां बेनती करना चाहवागी, तुम यू कहो कि भी मैं अपने तक कमेंट कर दी या कुछ भी है, पर आप रियलिटी थानू दस रहे हैं कि ना मैं नॉन वेज खाती हाँ ना मैं खुवादी हाँ, ठीक है, अपनी लाइफ का असूल है। तो प्लीज़ मेरी बेनती है, मेरी रिक्वेस्ट हैगी है सारे, प्लीज़ अपने आप नूं मेरे को जो भी आओ यही सोच के आओ कि मेरे को 100% वेज जाएगा जी। गूगल दे विच भी तुसीं मैप दे जो कढ़ोगे उहदे ते खालसा फूड कॉर्नर पर होगे तो ऑटोमैटिक तुहाडी लोकेशन सीधी इत्थे आएगी तुहाडी। हाँ जी, गूगल दे भी चर्चे ने सिंह ते सिंघणी दे। फिलहाल कैमरामैन रईस दे नाल सुखविंदर सिंह, हमदर्द TV, तरनतारन।